क्योंकि हमारा जो हृदय होता है हमारे सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में वहाँ वो स्थित है, वो हार्ट चक्र वहाँ एक्टिव है। अगर आप वहाँ ऐसे हाथ लगाते हैं थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा समझ में आएगा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे हीट क्रिएट होगी। अब देखिए वहाँ हीट क्रिएट होने वाली है, वो हीट ऐसी इतनी क्रिएट होती है जो धड़कन है वो आपके हाथ में ऐसे फोर्स करेगी, जोर से ऐसे मारेगी आपको हाथ को। वो देखिए प्रयोग करके देखिए, अगर ऐसे कर रही है तो आप समझना है कि आपका रिलेशन बहुत ही बहुत ही बहुत ही खराब है। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त लाइफ कोच जगन्नाथ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के लोगों को पहुँचाइए और मेरे साथ हर वक्त बने रहें। दोस्तों आज विषय है हमारे रिलेशन के बारे में। रिलेशन में इसका सूर्य विज्ञान में इसका कुछ फ़ायदा होता है क्या? रिलेशन आज बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब है, आज रिलेशन बहुत सारा ख़राब है। पति पत्नी का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, या बच्चों का अपने पिता के साथ है, और हर व्यक्ति के साथ उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन कौन है, गलती किसकी है, इस रिलेशन में प्रॉब्लम किसका है? दोस्तों यह प्रॉब्लम किसी दूसरे का नहीं है, यह प्रॉब्लम आप खुद का है, आपका है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये हमारा है, हमें हमारे ऊपर ज़्यादा काम करना होगा तो ही आपका रिलेशन बढ़ सकता है। हम क्या बोल रहे हैं, तूने गलती की है तो तू ही मुझे सॉरी बोल, तू ही आ मेरे पास मुझे प्यार जताने के लिए, तू ही मुझे अच्छी अच्छी बातें बोल, मुझे घुमाने के लिए लेके जाओ, और बहुत सारी चीज़ें आप उसके पास से मांग रहे हैं, मगर कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको खुद के ऊपर उसका काम करना ज़रूरी है। दोस्तों सौर विज्ञान के माध्यम से मैं आपको उस टेक्निक को करने की विधि आपको बताने वाला हूँ। तो याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि आपका मन ये बहुत पावरफुल टूल है। हमारे मन का जो संबंध है वो हमारे चंद्र नाड़ी से है, इतना याद रखिए। वो चंद्र के संबंधित है, शांत स्वरूप है, और वो मन के संबंधित है, और वो मन के बाहर सबकॉन्शियस माइंड है, उससे भी आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं इस चंद्र नाड़ी के माध्यम से। तो इसके लिए मैंने जैसे पता कि चंद्र नाड़ी हमें जब जब होती है, आपके दिन में कभी भी चंद्र नाड़ी हो सकती है ना, कभी भी आ सकती है। अगर नहीं है तो आप चंद्र नाड़ी आपके टेक्निक से ला सकते हैं। अगर ये टेक्निक आपको सीखना है तो मेरा एक एप्लीकेशन है एंड्रॉइड एप्लीकेशन, उसके अंदर मैंने बेसिक प्लस एडवांस प्रोग्राम और प्लस मेरा सौर विज्ञान का बुक ई बुक है, वो आप लेकर उसके अलग अलग प्रोग्रामिंग सीखकर अलग अलग क्रिया आप सीख सकते हैं और आप उसमें मास्टर हो सकते हैं। आज हम कुछ खोज व्यक्तियों के लिए मैं कुछ टेक्निक्स यहाँ देने वाला हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिलेशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ही डिस्टर्ब है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कुछ, क्योंकि ये टेक्निक ही ऐसी है। मैंने आपके लिए मेरे चक्रा बैलेंसिंग में हार्ट चक्र के संबंधित एक मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो के देखिए, उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ टेक्निक्स बताए थे, उस टेक्निक को आप यहाँ यूज़ करना है। पर यहाँ हमें सूर्य विज्ञान यहाँ यूज़ करना है, हमें चंद्र नाड़ी में यह प्रयोग करना है। जब आपकी चंद्र नाड़ी होगी तभी आपको क्या करना है, तभी आपका जो राइट हैंड है वो आपके हृदय के ऊपर रखना है, हृदय के ऊपर हमारे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा सेंटर में नहीं रखना है, थोड़ा सा आगे, यानी ये जो हाथ है, ये जो बीच में का हाथ है वो सेंटर में आना चाहिए, और ऐसा पूरा का पूरा ऐसा बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हृदय होता है हमारे सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में वहाँ वो स्थित है, वो हार्ट चक्र वहाँ एक्टिव है। अगर आप वहाँ ऐसे हाथ लगाते हैं थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा समझ में आएगा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे हीट क्रिएट होंगी। अब देखिए वहाँ हीट क्रिएट होने वाली है, वो हीट ऐसी इतनी क्रिएट होती है बाद में आपको वहाँ से सांसों की आपका जो धड़कन है वो आपके हाथ में ऐसे बहुत इसका फोर्स से उसको फोर्स करेगी, जोर से ऐसे मारेगी आपको हाथ को,
वो देखिए, प्रयोग करके देखिए। अगर ऐसे कर रहे हैं तो आप समझना है कि आपका रिलेशन बहुत ही बहुत ही बहुत ही खराब है। देखिए आपका जो हृदय है वो एकदम साइलेंस में चलना चाहिए, साइलेंस में चलना चाहिए। आपको समझ में नहीं आना चाहिए वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमें समझ में आता है कि आपका रिलेशन एकदम ओके है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप डेंजर जोन में है, तो आपको इस प्रयोग को हर बार दोहराना है। मैंने आपके लिए एक, मेरे दोस्त ने मेरे बनाया था एक हार्ट हीलिंग मेडिटेशन, मैंने मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने ऐसा ही दिया है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप उसको पकड़ कर चंद्र नाड़ी में आप उस प्रयोग को करते हैं तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं आपको मेडिटेशन चाहिए, आप नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह से कर सकते हैं और हर क्षण में आप कीजिए और मन में दोहराइए कि मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ। इसे आप बार 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 दोहराइए। यह प्रयोग आपको कम से कम आधा घंटे तक करना है। ऐसे हमें दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम। यह प्रयोग आप कंटिन्यू अगर 14 दिन करते तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो टूटा हुआ रिश्ता है उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप वापस एक अच्छे फैमिली आप क्रिएट कर सकते हैं और आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। आपका पति के साथ हो या पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो या किसी और के साथ हो, आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। यह प्रयोग करके देखिए और आपको इसमें कुछ फ़ायदा हुआ तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप मेरे व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new videos.